विभव कुमार को केजरीवाल ने अपना पीए नियुक्त किया था, रहने के लिए उसकी हैसियत से बड़ा बंगला भी विभव कुमार को दिया। जाहिर है ये सब केजरीवाल की कृपा से ही संभव हुआ होगा, लेकिन एलजीबी के सक्सेना ने विभव कुमार की सेवा समाप्त कर दी, उसे बंगला खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद इसके सीएम हाउस में बैठकर सब पर हुक्म चलाता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सब किस हैसियत से कर रहा है। उसके पास ना तो आम आदमी पार्टी का कोई पद है, ना ही सरकारी पद। इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि आखिर किस हैसियत से विभव कुमार सीएम हाउस में मौजूद थे, जबकि वो किसी राजनीतिक और सरकारी पद पर भी नहीं है, फिर विभव कुमार को किसने अंदर आने दिया। इसके साथ ही कई और प्रश्न सुधांशु ने केजरीवाल से पूछे। सुधांशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल से पूछा कि पहले तो केजरीवाल जी कहते थे कि मैं आम आदमी हूं, लेकिन देखिए आज वो अपनी ही पार्टी के सांसद के लिए कह रहे हैं कि उनका अपॉइंटमेंट नहीं था। वो कहते थे कि मैं 3 कमरों के घर में रहूंगा, लेकिन आज देखिए तो शीश महल में रह रहे हैं। आपकी पार्टी में कुल 10-11 ही सांसद हैं और आप हर किसी को अच्छे से जानते हैं, तो फिर किसी को अपॉइंटमेंट लेने की क्या ज़रूरत है? और अगर अपॉइंटमेंट लेना ही ज़रूरी है, फिर विभव कुमार के पास कौन सा अपॉइंटमेंट था? किसी भी सीएम का दिन भर का डेली रूटीन होता है, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक करते? वैसे देखें तो पहली घटना कि किसी सीएम के हाउस में उसी की पार्टी के सांसद के साथ मारपीट की जाती है और मुख्यमंत्री सांसद की जगह बगैर पद के आदमी को बचाता है। वहीं स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस जांच के लिए मुंबई ले जा रही है। दरअसल पुलिस को इस बात की आशंका है कि विभव ने अपने मोबाइल मुंबई के ही अंदर फॉर्मेट किया था। विभव द्वारा अपने मोबाइल के फॉर्मेट किए गए डेटा को फिर से रिट्रीव करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ये भी जानना चाहती है कि विभव मुंबई में किन लोगों से मिला था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई ले जा रही है। Your report, News of India.